हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो डायगोनल्स में जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिसके कॉर्नर उभरे हुए हों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए, डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एन एन माइनस थ्री अपॉन में टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास एन की वैल्यू होगी 4, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 4। तो 4 इसमें पुट करेंगे हम, देखिए फॉर्मूले के अंदर 4 माइनस 3 अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2 जा 4 2। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स कितने हो गए 2। ऐसे ही आप जैसे पेंटागोन की बात करेंगे तो पेंटागोन्स के अंदर हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी 5, बिकॉज पेंटागोन्स में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 5। तो एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो नंबर ऑफ हमारे पास जो डायगोनल्स है पेंटागोन के अंदर वो कितने आएंगे 5 डायगोनल्स। ऐसे आप किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के आप डायगोनल फाइंड कर सकते हो। तो आपको ऑलवेज ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है ऑलवेज एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एन साइडेड पॉलीगन्स की बात करेंगे हम। एन साइडेड पॉलीगन्स में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज एन एन माइनस, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। एन साइडेड पॉलीगन की बात करें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो हमारे पास एन की वैल्यू है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडेड होता है, इट मीन्स एन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 4 फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 मल्टीप्लाई 2 360 डिग्री। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ऐसे आप किसी भी मतलब पॉलीगन्स को आप फाइंड कर सकते हो इंटीरियर एंगल्स। और भी एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे हेक्सागोन की बात करें, हेक्सागोन मीन्स नंबर ऑफ साइड 6, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि एन हमारे पास साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पॉलीगन आप डिस्कस करोगे और एन की वैल्यू वही हो जाएगी। हेक्सागोन हेक्टागोन के लिए एन की वैल्यू 7 हो जाएगी, ऑक्टागोन के लिए एन की वैल्यू 8 हो जाएगी, नैनागोन के लिए एन की वैल्यू 9 हो जाएगी और डेकागोन के लिए एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो आप किसी भी पॉलीगन्स के आप सम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो हेयर एन इक्वल टू 6, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 6 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 720 डिग्री। तो ऐसे ही आप किसी भी जो पॉलीगन है उसका आप
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है ऑलवेज n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री।